विराट कोहली को नहीं मिलता दिग्गजों से सम्मान। टी20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तान का बयान, वर्ल्ड कप में भी कोहली के भरोसे है टीम इंडिया। जी हां, टी20 वर्ल्ड कप 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, जब फटाफट क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ का बिगुल बज जाएगा। टीम इंडिया का भी पहला मैच आगामी 25 मई को अमेरिका के लिए रवाना होने वाला है, लेकिन टीम इंडिया अमेरिका के लिए रवाना हो उससे पहले ही विराट कोहली को लेकर एक बड़ा बयान आया, और ये बयान आया है ऑस्ट्रेलिया के सबसे कामयाब दिग्गज कप्तान रिकी पोंटिंग की तरफ से। रिकी पोंटिंग ने जहां विराट कोहली को आगामी टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बताया, तो वहीं उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए ये बात कह दी है कि विराट कोहली को भारत में भारतीय क्रिकेट के ही दिग्गजों से सम्मान नहीं मिलता। विराट कोहली को लेकर आखिर क्या कहा रिकी पोंटिंग ने और क्यों? टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली को रिकी पोंटिंग टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बता रही है। चलिए इस रिपोर्ट में जल्दी से आपको बता देते हैं। आईपीएल में जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की खिताबी उम्मीद का पूरा दारोमदार टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के कंधे पर रहता है, कुछ वैसे ही आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया के खिताब उम्मीदों की बड़ी उम्मीद विराट कोहली ही रहेंगे। दरअसल आईपीएल सीजन 17 में दिल्ली कैपिटल्स के कोच रहे पूर्व ऑस्ट्रेलिया दिग्गज और कप्तान रिकी पोंटिंग ने विराट कोहली को लेकर बड़ी बात कही है। रिकी पोंटिंग ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर दावा किया है कि विराट कोहली को अपने देश में क्रिकेट के कई दिग्गजों से वे सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। रिकी पोंटिंग ने एक इंटरव्यू में हैरानी जताते हुए कहा है कि भारत में कई दिग्गज तो कोहली को टीम इंडिया से ड्रॉप करने की वजह ढूंढते हैं। कोहली की आलोचना करना बहुत हैरान करने वाला है। मुझे लगता है कि भारत में लोग हमेशा उसे राष्ट्रीय टीम में नहीं चुनने के कारण ढूंढते रहते हैं या ये जताने की कोशिश में रहते हैं कि वे टी20 क्रिकेट में बाकियों की तरह बेहतरीन नहीं है। गौरतलब है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में जब विराट का नाम आया था तब इसे लेकर क्रिकेट के कई दिग्गजों ने सवाल उठाए थे। कई पूर्व क्रिकेटर्स ने तो आईपीएल के दौरान भी विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल उठाए थे जिसे टी20 क्रिकेट के लिए काफ़ी धीमा बताया गया था। हालांकि विराट आईपीएल 2024 में गजब की फॉर्म में दिखे, ऑरेंज कैप पर भी फिलहाल विराट कोहली का ही कब्जा है। ऐसे में रिकी पोंटिंग का मानना है कि अगले महीने टी20 वर्ल्ड कप में भी कोहली को कप्तान रोहित शर्मा के साथ टीम इंडिया के लिए पारी का आगाज करना चाहिए। वैसे भारत की ओपनिंग जोड़ी को लेकर कप्तान को ही फैसला लेना है क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी टीम में है, लेकिन मुझे यकीन है कि पारी का आगाज कोहली और रोहित ही करेंगे। कोहली टॉप ऑर्डर में अपनी भूमिका बखूबी निभा सकते हैं। सूर्य कुमार और बाकी बल्लेबाज बाद में तेजी से रन बना सकते हैं। आजकल क्रिकेट में औसत से ज्यादा तरजीह स्ट्राइक रेट को मिल रही है, लेकिन भारत टीम के लिए कोहली की उपयोगिता को कमतर नहीं आंका जा सकता। दबाव के क्षणों में बड़े मैचों में विराट कोहली जैसा क्रिकेटर ही चलेगा। बात करें विराट कोहली के आईपीएल सीजन 17 के प्रदर्शन की, तो आईपीएल एलिमिनेटर तक विराट कोहली ने सीजन में कुल 15 मुकाबले खेले जिसमें उनके बल्ले से एक शतक और 5 हाफ सेंचुरी समेत 741 रन देखने को मिले। जहां विराट का टॉप स्कोर नॉट आउट 113 रनों का रहा, तो वहीं उनके बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट भी उनके टी20 करियर स्ट्राइक रेट से कहीं ज़्यादा 154.5 का रहा। अब विराट से टीम इंडिया के फैंस की उम्मीदें आगामी टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हैं। सभी को उम्मीद है कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली का बल्ला आईपीएल की तरह जरूर गरजेगा। वैसे आपको बता दें कि पिछली बार खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2022 में विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। विराट ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप में खेले 6 मुकाबलों में 4 हाफ सेंचुरी समेत 296 रन बनाए थे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ नॉट आउट 82 रनों की मैच विनिंग पारी भी शामिल थी। लोकसभा चुनाव के बाद किसके सर पर सजेगा ताज? मोदी सरकार के पिछले 10 साल में देश में कितना हुआ विकास? बिना बात को घुमाए द खबरदार न्यूज आपको दिखाएगा हकीकत। इसमें है जनता का भरोसा, कौन करेगा देश पर राज?